यहाँ पर जो पहले जो एडवर्टाइजमेंट हुआ था आईटीएफ ग्राउंड में अपॉइंटमेंट लेटर डायरेक्ट दे देंगे, लेकिन उस तरह वादा अभी पूरा नहीं होता। इन लोग कोई अपॉइंटमेंट नहीं देते, साथ साथ में कई मतलब पक्का वादा नहीं करते कि उन लोग लेंगे करके। इसलिए जो जो भी स्टूडेंट आता वो अपना भगवान का भरोसा ही इन लोग का ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है वो लेंगे करके, क्योंकि कोई मतलब आश्वासना नहीं देते, लिखित रिटिन कोई आश्वासना उन लोग नहीं देते जो कि पहले बोले थे, जो कि वादा का खिलाफ है। इसलिए आगे क्या आएगा वो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन यहाँ कुछ ठीक ठाक नहीं लगता। पहले ये बताया गया है कि सबको उसी टाइम इंटरव्यू होएगा, साथ साथ में हाथ में आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। बार बार एडवर्टाइजमेंट किए गवर्नमेंट ऑफ अंडमान है ना, कॉमर्स ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लेकिन जो कि अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। सिर्फ बता रहे हैं कि यहाँ नहीं आएगा तो वहाँ जाओ, वहाँ नहीं आएगा तो यहाँ जाओ, है ना। बच्चा लोग को इधर उधर भगाते हैं, वादा खिलाफ का काम हो रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा इसको सारा अंडमान का जो जनता है उन लोग के पास पहुँचाइए। धन्यवाद। जानना चाहता हूँ सुधा कुजूर, कहाँ से आए हो आप? तारगंज से। तारगंज से आए हो। आपने स्टडी कहाँ तक की है? 12th कम्प्लीट करी, अभी इग्नू से कॉलेज कर दिया। आप यहाँ किस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो? फिलहाल अभी तो हम आए और पता नहीं है कि क्या क्या है, वही देख के आई कि मतलब कुछ कुछ है बोल के। अभी कुछ तो आपने थिंक किया होगा, सोचा होगा ना कि मुझे इस फील्ड पे जाना है। टूर्स एंड ट्रेवल्स में जाएगी सोचती हूँ। अगर आपको टूर्स एंड ट्रेवल्स में जॉब मिलता है तो आप कितना सैलरी इनसे एक्सेप्ट करते हैं? फर्स्ट में मतलब 15। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिमांड करोगे आप प्राइवेट सेक्टर को लेकर के अंडमान में? वैसे प्राइवेट मतलब अभी तो लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट को बहुत नुकसान पड़ा है, तो फिर मतलब सबको जॉब मिलना ही चाहिए अभी तो। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को लेकर के क्या थिंकिंग है आपकी? गवर्नमेंट में ऐसा है कि अगर हम लोग साल भर भी घर में रहेंगे तो पेमेंट मिलेगा, और प्राइवेट में ऐसा है कि मतलब एक दिन दो दिन नहीं जाओ तो नहीं मिलेगा पेमेंट। आप लोग किस फील्ड के लिए फॉर्म भर रहे हो? डाटा एंट्री का। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इससे पहले आप कहीं जॉब करते थे? नहीं, फर्स्ट टाइम। मैं छोटा सा सवाल पूछूंगा आपसे, अगर आपको ये जॉब मिल जाता है तो आप इनसे कितना सैलरी एक्सेप्ट करते हैं? अराउंड 10,000। ओके। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को लेकर के आपका क्या ख्याल है? गवर्नमेंट में तो आजकल तो एक्सपीरियंस ज़्यादा पूछते हैं, तो प्राइवेट में भी पूछते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट प्राइवेट में रहता है। गवर्नमेंट तो मास्टर डिग्री तक पूछते हैं, तो वो सब तो अभी तक नहीं किया, हम लोग तो अभी कॉलेज कंप्लीट किया है। प्राइवेट सेक्टर से को लेकर के अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या मांग है? हर फील्ड में मतलब देखना है कि कौन सा फील्ड में अच्छा चलता है अंडमान के ऊपर। अभी टूरिज्म अच्छा चलता है तो उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं, और भी चीज़ में फोकस करना चाहिए जिसमें जो अच्छा चलता है। आज आप यहाँ जॉब मेला पे आई हो, आपको ये जॉब मिला कैसा लगा? अच्छा था, काम मिलता सबको तो अच्छा ही होगा ना। आपने किस फील्ड में यहाँ पे अप्लाई किया है? हम सेल्स गर्ल्स का। सेल्स गर्ल के लिए आपने अप्लाई किया। मान लीजिए अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आप इनसे कितनी सैलरी एक्सेप्ट करते हो? सैलरी को बताया है 12,600 समथिंग, तो वही देगा। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नवीन। कहाँ से आए हो आप? हेडो। हेडो से आए हो। आपने यहाँ किस फील्ड में अप्लाई किया सर? ऑटोमोबाइल फील्ड में। ऑटोमोबाइल मैकेनिकल फील्ड। इतने सारे लोग आए हैं, आपको क्या लगता है? देखते हैं, दिया तो हूँ अपना बेस्ट, एंड बोले कि मतलब कल आने बोल रहे हैं, सो वहाँ जाके चेक करना पड़ेगा। और मैं दो चार सवाल और करूँगा आपसे, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर के आप क्या सोचते हो अंडमान में? गवर्नमेंट सेक्टर इज़ लाइक मतलब वो जस्ट एक दो कुछ फील्ड मतलब निकालते, पोस्ट निकालते हैं साल में एक दो बार, और वो भरते हैं लिटरली लाइक इतने बंच तक मतलब भरते हैं। एंड प्राइवेट सेक्टर इज़ लाइक वहाँ पे हमें मतलब मिल जाता है, वहाँ जाके पूछूँ तो अगर इनकेस अगर वैकेंसी मिलता है तो मिल जाता है वहाँ पे। सो हम लोग को गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर का मतलब, गवर्नमेंट सेक्टर मतलब बहुत जन बोलते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के पीछे जाओ, बट हम लोग अगर गवर्नमेंट सेक्टर के पीछे ही हम लोग जाएंगे ना तो प्राइवेट सेक्टर हम लोग मिस हो जाएगा। सो इनिशियली हम लोग जो होना चाहिए बेसिकली उसमें हम लोग जाना चाहिए इनके मतलब, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग गवर्नमेंट में ही फोकस करें। आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिमांड करते हो, प्राइवेट सेक्टर को कैसे बढ़ाया जाए? आईटी कंपनी से यहाँ पे बहुत सारे आ सकते हैं, द थिंग इज कि मतलब बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज अभी तो इंटरनेट आया है यहाँ पे, राइट? सो इट विल टेक मोर टाइम, लाइक अगर बोलूँ तो रफली 5 to 10 years तो लग ही जाएगा यहाँ पे आईटी कंपनी समथिंग यहाँ पे आने के लिए, बिकॉज अभी नेट आया, राइट? सो गवर्नमेंट सेक्टर मतलब ये हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ से निकलते वाले बहुत सारे यूथ जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता करके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मी, इतना दिन मैं बाहर था, अभी कोरोना की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, सो यहाँ पे इनकेस मतलब अभी तक मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता तो मैं बाहर क्यों जाता मैं, राइट?
सो इसीलिए बस ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ के गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि यहाँ पे और वैकेंसी निकले, मतलब यूथ को और आगे बढ़ने का, मतलब उनको कुछ मौका दें उनको। आपको यहाँ आने के बाद कैसा फील हो रहा है? गुड, नॉट बैड। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जॉब आपको मिले। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। पहले तो मैं आपका नाम जानूंगा। जी, मेरा नाम है सतंजय झा। आप कहाँ से हैं? जी, बम फ्लैट से। बम फ्लैट से वेलवर नगर। जी हाँ। आप यहाँ पे आए, आपने किस फील्ड में फॉर्म फिलअप? मैं तो देखिए टेक्निकल लाइन जो है फायर ऑपरेटर, जो 2011 में जो मेरा ट्रेनिंग हुआ था वो लाइन के लिए हम आए थे। यहाँ आके देखे, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लैंडमान के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। आके देखे यहाँ पर तो तरह तरह के हर फील्ड में थे, तो मैं तो जमा कर चुका हूँ जो भी है अपना। उन लोग बोले कि बताएंगे, कॉल करेंगे आपको, उसके बाद इंटरव्यू होगा वगैरह वगैरह। ऐसा बात बताना चाहता हूँ, अनएम्प्लॉयड जो भी यूथ है अभी फ़िलहाल हाल ही में जो है एक आपका कोर्स निकाले थे बहुत सारे, तो फ्री कोर्स, तो ऐसा जो है आगे भी गवर्नमेंट जो है निकालेंगे, तो बच्चा लोग को जो है रोज़गार का और भी मतलब मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे मिलते रहेंगे। आपका नाम? साजी, साजी सैनफील्ड। कहाँ से आए हो आप? हम यहाँ में रहते हैं डॉलीगंज में। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं तो 11th तक पढ़ा हूँ, उसका आगे पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अभी ये काम आगे करके हम थोड़ा रुका पड़ा है। आप किस फील्ड में यहाँ पे जॉब अप्लाई कर रहे हैं? मेरा तो सेल्समैन का, थोड़ा सेल्समैन का था, अभी सेल्समैन का बात किया तो हो सके तो। उससे पहले भी आपने कहीं सेल्समैन में जॉब किया? हाँ, सेल्स करता था पहले भी, सेल्स कर देते पहले। अगर आपको ये जॉब मिल जाता है तो आप इनसे कितना सैलरी लोगे? सैलरी लूँगा मैं, अभी तो सोचूंगा। अभी कुछ तो आपने सोचा होगा, तभी तो आपने फॉर्म अप्लाई किया। वही कितना हो सकता सेल्समैन में, जैसा 20-15 जैसा हो सकता है, नहीं सेल्समैन का तो नहीं हो सकता है, उसका आगे तो पीछे। थैंक यू ब्रदर हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद शानिब। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं आया हूँ सर, प्रेमनगर पे रहता हूँ, और करीबन 10 साल से ट्रैवल्स एंड टूरिज्म कंपनी में काम कर रहा था। अभी ड्यू टू पेंडेमिक हमारा जॉब भी एकदम चला गया है, और यहाँ पे टूरिज्म को उतना कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जैसा कि पहले जैसा था। अभी पेंडेमिक के बहुत काफ़ी कम गेस्ट आ रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को जैसा जॉब मेला कर रहे हैं, और भी बहुत सारा फील्ड है उसमें भी थोड़ा और थोड़ा ध्यान देकर युवाओं के लिए थोड़ा जॉब और निकालने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब कंस्ट्रक्शन डिवीज़न से या फिर क्लोथ मर्चेंट से ऑटोमोबाइल से, ऐसा कुछ नहीं है, और भी सारे कहीं कहीं कुछ कर सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंटल में कुछ कर सकते हैं, और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। तो डीसी साहब से मैं एक अनुरोध करूँगा कि ये सब चीज़ को लेकर थोड़ा और भी थोड़ा आगे आए, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, हमारे युवाओं में पोटेंशियल्स भी हैं और काफ़ी कुछ कर सकते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा। इससे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको ऑल द बेस्ट। जी जी, ज़रूर ज़रूर। मैं भी ये अंडमान ऑनलाइन चैनल का राजकुमार भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उनका मैं वीडियो हमेशा देखता हूँ, और उनके बहुत धन्यवाद, और आप सिंगम दुबे भी आपके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।